मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है। मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है। मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार, आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग जो है इसका आंसर दे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप अपने पास कॉपी और पेन रखिए और प्रत्येक का आंसर दीजिए और लास्ट में आप मिला लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, है ना, कि उसमें आपका कितना मार्क्स आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जिस ऑप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक है वही हमें ढूंढना है। तो आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर इसका हो सकता है। वर्ड लिखा हुआ डिक्टेट डिसीजन डिफरेंस डिक्शनरी। और जो है एग्जाम में तो जो इसको बोलते हैं स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से एक या दो क्वेश्चन आना तो 100% फिक्स है ना। इसलिए जो है आप जो है आंसर दीजिए और यहाँ आंसर देने से कतराएंगे नहीं, फिर आप एग्जाम में वहाँ कहाँ भागेंगे। देखिए, और आप जो है इसका आंसर दे दिए होंगे तो अब आप मिलाइए। तो ढूंढना है कि किस ऑप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए, डिक्टेट डी के टेट ए, इसमें स्पेलिंग सही है, डिक्टेट का स्पेलिंग सही है। और डिक्टेट मीन्स क्या होता है, होता है शासन। डिक्टेट मीन्स क्या होता है, शासन होता है। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, डिसीजन डी ई सी आई एस आई ओ एन, डिसीजन का स्पेलिंग भी सही है। और डिसीजन मीन्स क्या होता है, निर्णय, इसका मीनिंग होता है निर्णय होता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस का स्पेलिंग डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस का स्पेलिंग भी सही है, डिफरेंस स्पेलिंग भी सही है। और इसका मीनिंग क्या होता है, अंतर, क्या होता है अंतर। देखिए, डिफरेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा वर्ड है जो स्टूडेंट काफी उसमें कंफ्यूज खाते हैं, वो मैं चाहता हूँ आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है डी ई एफ ई आर, देखिएगा आप कहाँ लिख दूँ आपको, यहाँ लिखते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है डी ई एफ ई आर, ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है डी ई एफ ई आर ई एन सी ई, ठीक है, और तीसरा वर्ड होता है इस तरह डी आई डबल एफ ई आर, और चौथा वर्ड होता है दिख रहा होगा डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी। तो ये चारों वर्ड जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, और इसमें हम लोग जो काफ़ी कंफ्यूज खाते हैं, है ना। तो आपसे कंफ्यूज खाने जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं इकट्ठा कर लिख दिया हूँ। देखिए, डी ई एफ ई आर अगर ए वर्ड होगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टालना, इसका मीनिंग हो जाएगा टालना। इसका स्पेलिंग एस लगता है लेकिन मीनिंग जो है सबका अलग अलग है। तो डी ई एफ ई आर डिफर्म इसका अलग, डी ई एफ ई आर डिफर्म इसका टालना, डी ई एफ ई आर डिफर्म इस टालना। अगर डी ई एफ ई आर एन सी डिफरेंस रहे, अब मैं डी ई एफ ई आर ई एन सी डिफरेंस रहे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आदर, इसका मीनिंग होगा आदर हो जाएगा। डी ई एफ ई आर डिफरेंस का टालना, डिफरेंस डी ई एफ ई आर एन सी डिफरेंस मीन्स का आदर। अब देखिए, अब डी आई डबल एफ ई आर हो, डी आई डबल एफ ई आर हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, अलग,
इसका मीनिंग हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। और डी आई डबल एफ ई आर एन सी हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, अंतर। डिफरेंस मीनिंग क्या होगा, अंतर होगा, समझ गए। तो ये जो मैं चार लिखा हूँ तो इसको ध्यान देंगे, और आप जो कहीं पर लिख ही लेंगे इसको, मैं स्टार देता हूँ इसको आप लिख लेंगे, तो इस टाइप ये चारों फिर कभी वर्ड आएगा, ये चारों में से कोई एक आएगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं खाएंगे। और देखिए डिक्शनरी, इसमें मिस्टेक है, डी आई सी ठीक है, टी आई ओ ठीक है, एन ई आर वाई लिखा है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, ई जो है ई का स्थान पर ए होना चाहिए। देखिए डिक्शनरी का वर्ड होता है डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, यानी ए आर वाई होता है, और यहाँ पर ई दिया हुआ है, इस कारण जो है मिस्टेक किस में है, डी नंबर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एग्जाम में जो है इसी तरह आपको पकड़ना है, ठीक है। और ये स्पेलिंग मिस्टेक ये जो है इसमें नंबर सभी का लगभग, इसमें अधिकतर स्टूडेंट का जो है सही होता है, उसी स्टूडेंट का गलती होता है जो अभ्यास में नहीं होता है ना, तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, और देखिए ये जो भी बताया हो इसको आप वीडियो पॉज कर लिख लेंगे, ये जो मैं बताया हो है ना, इसको जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं और वो जो एक्स्ट्रा बताता हूँ ये सब जो है आप लिख लेंगे, यदि टाइम का अभाव है आपके पास तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। और जब भी मैं साइड हो जाऊँगा तो आप समझ जाए कि जो उसको क्या करना है, लिख लेना है या वीडियो पॉज कर याद करना है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटो बताना है, और एंटो बताना है तो पहले आप लोग आंसर दीजिए, अब तो बहुत नज़दीक एग्जाम आ गया है और आपका तैयारी भी अच्छा हो गया होगा तो आंसर दीजिए। क्वेश्चन है लोथ 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 फी डिटेस्ट एडमायर डिस्पाइज अबहोर, ये सब ऑप्शन है, तो ये सब में से क्या आंसर हो सकता है ना, और पूरा कॉन्फिडेंस आंसर देंगे, ये ना कि ए मारे के बी मारे के सी मारे, ये ऐसा आप जो है ये जो कंफ्यूजिंग है ये आप कम कीजिए, है ना। जो भी आंसर लगाइए पूरा कॉन्फिडेंस से टिक लगाइए, ठीक है। आप लोग आंसर दे दिए होंगे। देखिए लोथ लोथ मिस क्या होता है, लोथ मिस होता है क्या, घृणा करना, लोथ लोथ मिस क्या, घृणा करना, लोथ मिस घृणा करना, यहाँ लिख देता हूँ, लोथ मिस हो जाएगा घृणा करना, ठीक है। और डिटेस्ट, डिटेस्ट मिस क्या होता है, घृणा करना, डिटेस्ट मिस क्या, घृणा करना, इसका भी मीनिंग होता है घृणा करना होता है, ठीक है। और एडमायर, एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, एडमायर मीन्स क्या, प्रशंसा करना, इसका मीनिंग हो जाएगा प्रशंसा करना होगा, ठीक है। और डिस्पाज, डिस्पाज मीन्स क्या होता है, डिस्पाज मीन्स होता है घृणा करना, डिस्पाज मीन्स भी होता है क्या, घृणा करना, इसका मीनिंग भी होगा घृणा करना, ठीक है। और एक और वर्ड नीचे है अबहोर, इसका भी मीनिंग होता है घृणा करना, अबहोर मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना, इसका भी मीनिंग होगा घृणा करना, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है खूब अच्छे से याद कर लेंगे, जितना अच्छा वर्ड रहेगा ना तो इंग्लिश में आपका हाथ उतना ही तेज से भागेगा, समझ गए। तो हमें ढूंढना है क्या, अपोइट वर्ड, एंटो यानी अपोइट वर्ड, तो यहाँ क्या है, लोथ, लोथ मिस का घृणा करना, तो घृणा करना क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, आपका आंसर बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर दीजिए, ये भी क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो, ये भी बताना है, इसमें ये भी क्वेश्चन है एंटोनिमस का, अपोइट वर्ड का, और आपका क्वेश्चन क्या है, बीनिथ, ये आपका क्वेश्चन है बीनिथ,
तो इसका आप लोग जो है आंसर दीजिए। बेत का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बेत का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, अबव, बियॉन्ड, अंडर, बिलो, इसका आंसर देंगे आप लोग। और जो है ये जो है कहे तो बहुत इजी है ना, ये जो है बहुत इजी है, इसमें आप छोड़ते हैं तो क्या है बहुत दिक्कत है। देखिए बीनिथ मीन्स क्या होता है, नीचे, क्या होता है नीचे। और देखिए एक कंसेप्ट जान लीजिए, यहाँ पर नीचे का कितना वर्ड होता है, देखिए नीचे का जो होता है आपको अंडर भी होता है, नीचे का आपको बिलो भी होता है, ठीक है, नीचे का आपको बीनिथ भी होता है, क्या होता है बीनिथ, और नीचे का आपको डाउन भी होता है ना। एक लाइन में थोड़ा समझ लीजिए, जब बीनिथ आ गया तो अंडर नीचे का वर्ड होता है, ये चार वर्ड होता है, तो अंडर प्रयोग कब करेंगे, जब जब किसी थिंग का एक भाग टच हो। देखिए अंडर का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई थिंग किसी चीज के नीचे हो, जब कोई थिंग किसी चीज के नीचे हो और उसका एक भाग टच हो दूसरा भाग टच नहीं हो। ऐसे मैं हूँ तो मेरा एक भाग जमीन से टच है, क्या दूसरा भाग टच है, नहीं, तो इस यहाँ क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे। बिलो कब प्रयोग करेंगे, तो रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, इसे कहेंगे टीवी के नीचे रिमोट है, टीवी के नीचे रिमोट है, तो रिमोट किसके लिए आता है, टीवी के लिए आता है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो वहाँ के नीचे के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिलो। अब देखिए बीनिथ कब प्रयोग करेंगे, जब कोई थिंग दो थिंग के बीच हो, जब कोई थिंग दो थिंग के बीच हो तो वहाँ प्रयोग करते हैं बीनिथ। जैसे ए मार्कर देख रहे हैं आप, तो ए जो है नीचे नीचे से भी टच है और ऊपर से टच हो गया है ना, तो यहाँ आप क्या प्रयोग करेंगे बीनिथ है ना। जब बोलेंगे कि तकिया के नीचे मोबाइल है, तकिया के नीचे मोबाइल है, तो मोबाइल बेड से भी टच होगा और तकिया से भी टच होगा, तो वहाँ प्रयोग करें बीनिथ, समझ गए। और डाउन, जब कोई व्यक्ति दौड़ते हुए किसी चीज के नीचे जाता है, जब कोई व्यक्ति दौड़ते हुए किसी चीज के नीचे आता है तो वहां प्रयोग करते हैं डाउन। तो ये तो एक्स्ट्रा था तो मैं कुछ बता दिया है ना, लेकिन मेन पॉइंट पाइए, इसका क्या होगा, नीचे, नीचे का ढूंढना है, ऊपर, तो ऊपर का वर्ड कहाँ है, यहाँ है। देखिए अबव मीन्स क्या होता है, के ऊपर होता है, और बियॉन्ड मीन्स क्या, के उस पार। देखिए अबव मीन्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बियॉन्ड मीन्स क्या, के उस पार, के उस पार, इसका मीनिंग हो जाएगा के उस पार हो जाएगा। अंडर मीन्स क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है, और बिलो मीन्स क्या, नीचे। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बियॉन्ड जानते हैं क्या बोलते हैं, जब जब कोई थिंग बीच में हो है ना, उस पार दिखाई नहीं दे, जैसे बोलना होगा पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, तो मैं यहाँ हूँ मंदिर है और बीच में क्या पहाड़ है, दिखाई देगा नहीं ना, तो वहाँ प्रयोग करते हैं बियॉन्ड। तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, अबव होगा, क्या होगा, अबव। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन किसका है, ये जो है टू फील, एग्जाम में जब भी टू फील देखिएगा समझ जाइए कि क्या उभरने वाला है, तो आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपका शुरुआत कहाँ से होता है, यहाँ शुरुआत है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ भी देता हूँ। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल, ऑप्शन कॉन्फिडेंट, एफिशिएंट, डिफिडेंट, सफिशिएंट, इसका आंसर क्या होगा आप लोग लगाइए है ना। आप भी कुछ, आप भी जो है इस आंसर देते चलिएगा तो क्या होगा, आपको भी मन लगेगा और आपको भी पता चलेगा कि क्वेश्चन आज का कैसा रहा, और मुझे लास्ट में जो बताएं कि आज का क्वेश्चन कैसा रहा, एवरेज रहा कि टफ रहा कि क्या बोलते उसको, इजी था। देखिए अब आंसर मिला ही आप लोग क्या, द न्यू एम्प्लॉय सैड, नए कर्मचारी ने कहा, नए कर्मचारी ने कहा कि, देखिए ही मिस यहाँ ही यूज किया है, लेकिन आप बोलेंगे मैं, क्या बोलेंगे, मैं बोलेंगे, नए कर्मचारी ने कहा कि मैं
है ना, जॉब को अच्छे से करने में क्या हूँ डैश था, समझिए। न्यू कर्मचारी ने कहा कि मैं उस जॉब को अच्छे से करने में डैश था, तो करने में डैश क्या था, तो ऑप्शन जानिए तब जो हम लोग सेंस लगाएंगे। ऑप्शन है कॉन्फिडेंट, यहाँ तो ही मिस क्या पढ़ेंगे, मैं पढ़ेंगे, समझ गए, वह नहीं पढ़ेंगे, वह नहीं पढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंट मिस क्या होगा, आत्मविश्वास, आत्म इसका होता है, देख लीजिए चारों का मिल जाने, कॉन्फिडेंट मीन्स क्या आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट मीन्स क्या आत्मविश्वासी, यहाँ लिख लेता हूँ, इसका मीनिंग होगा आत्म विश्वासी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन्स क्या कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंट मीन्स क्या कार्य करने की क्षमता, यहाँ लिख लेता हूँ कार्य करने की क्षमता हो जाएगा, क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिफिडेंट, डिफिडेंट मीन्स क्या आत्मविश्वास की कमी, डिफिडेंट मीन्स क्या आत्मविश्वास की कमी, इसको भी लिखेंगे, मैं तो कहूँगा मेरे साथ भी आप भी लिखिए, मेरे साथ आप भी लिखिए, है ना, तो इस तरह जो है मेरे साथ आपका भी हो जाएगा। आप चाहेंगे वीडियो या पॉज करके लिखे तो उससे क्या टाइम बढ़ेगा, या चाहेगा पूरा क्लास कर लिए फिर से देखेंगे तब लिखेंगे, उससे टाइम वेस्ट होगा। इसका होगा आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी होगा। अब नेक्स्ट क्या है, सफिशियंट, सफिशियंट मीन्स क्या पर्याप्त, ज्यादा, सफिशियंट मीन्स क्या पर्याप्त या ज्यादा, इसका मीनिंग होगा पर्याप्त होगा, है ना, इसका मीनिंग होगा पर्याप्त, या इसको बोलते हैं अधिक, क्या बोलते हैं अधिक, अधिक समझते हैं, अधिक मीन्स क्या ज्यादा, तो आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा, तो नए कर्मचारी ने अगर हम आत्मविश्वासी दिमाग लगाते हैं कि कहीं आत्मविश्वासी ना हो, देखिए नए कर्मचारी ने कहा कि मैं उस जॉब को अच्छी तरह करने में क्या था, आत्मविश्वासी था ना, यही होगा, और कार्य का क्षमता आत्मविश्वास कमी इस तो होगा नहीं, यानी जो भी जब अच्छी तरह, देखिए आप जब अच्छी तरह यहाँ बोल रहा है, यानी जो भी वर्ड होगा वह कैसा वर्ड होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा, तो आत्मविश्वास कमी ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंट ही होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा, है ना, इसको आप जो है इस ये सब कैसे याद रहता है, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऐसे याद रहेगा। तो यहाँ सेंस कौन सा होगा, कॉन्फिडेंट, ठीक है। और दूसरा सेकंड नंबर कॉन्फिडेंट के आगे ऑफ आता है, ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये साइनो बताना है और आप लोग पहले आंसर दीजिए, क्या है क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ है कॉम्पिटेंट, एक क्वेश्चन है और ऑप्शन है आपका कंपेरेबल, कंफर्टेबल, कंपैटिबल, कैपेबल। और पहले आप आंसर दे रहे हैं तो पहले जो है ए वर्ड है, इसका मीनिंग आप जान लीजिए, है ना, और उसका चार ऑप्शन समझ लीजिए और तब आंसर दीजिए, है ना, तब जो है आपका आंसर पूरा सटीक जाएगा, नहीं तो देखे फर्स लगा दिए तो गलती हो सकता है, ठीक है। और एक एक मार्क्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए मिलाइए, कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है, योग्य होता है, कॉम्पिटेंट मीन्स क्या योग्य, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ होता है इसका क्या होगा, योग्य होगा। और कंपेरेबल मीन्स क्या होता है, तुलना करने योग्य, कंपेरेबल मीन्स क्या तुलना करने योग्य, यहाँ लिखिएगा इसका तुलना करने योग्य, करने योग्य हो जाएगा। और कंफर्टेबल सबको पता होगा, आरामदायक, कंफर्टेबल मीन्स क्या आरामदायक, इसका मीनिंग होगा आरामदायक होगा, ठीक है। कंपैटिबल इसका भी होता है तुलना करना,
इसका ही मीनिंग क्या होता है, तुलना करना होता है, ठीक है। और कैपेबल मीन्स क्या, सक्षम। कैपेबल मीन्स क्या, सक्षम। इसका मीनिंग होगा सक्षम होगा, इसका इसका मीनिंग होगा सक्षम, ठीक है। तो ढूंढना है साइनो वर्ड, क्या ढूंढना है, साइनो वर्ड। तो कॉम्पिटेंट मीन्स योग्य, यानी किसी काम करने की क्षमता होना, किसी काम करने की क्षमता होना। तो इसका हो जाए साइनो क्या हो जाए, कैपेबल होगा। कैपेबल क्या होगा, कैपेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप आंसर देंगे, मैं बता देता हूँ, ये आपको ईडियम है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आपका है, आंसर दीजिए। ब्लो अप फ्यूज, टू फील सिक, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, टू फील टायर्ड, टू वर्क हार्ड एमलेसली। आंसर क्या हो सकता है, अच्छी तरह समझते हुए आंसर दीजिए। मैं साइड भी हो गया हूँ, दिख रहा होगा। ईडियम फेज से भी एक दो क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही, है ना। साइनो एंटो वन सब्टूशन ईडियम फेज आना है तो आना ही है। देखिए, ब्लो अप फ्यूज, ब्लो अप फ्यूज मीन्स क्या होता है, बहुत अधिक गुस्सा होना। ब्लो अप फ्यूज मीन्स क्या, बहुत अधिक गुस्सा होना। लिख लेता हूँ, इसका मीनिंग होगा बहुत अधिक गुस्सा होना, गुस्सा होना होगा, ठीक है। और इससे मिलता जुलता ढूंढना है, टू फील सिक यानी बीमारी, बीमार महसूस करना। टू फील सिक बीमार महसूस करना, ये तो होगा नहीं। यहाँ बात कर रहा बहुत अधिक गुस्सा होने का, यहाँ बीमार होना नहीं। टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, बहुत गुस्सा जैसा व्यवहार करना, बहुत गुस्सा जैसा व्यवहार होना। यानी कह सकते हैं यहाँ भी मीनिंग क्या निकल रहा है, बहुत अधिक गुस्सा करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। टू फील टायर्ड, थक जाना या थका महसूस करना, ये नहीं होगा। टू वर्क हार्ड एमलेसली, बिना लक्ष्य का मेहनत करना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। आप देखिए, इनकरेक्ट बताना है, जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वही ढूंढना है। तो आप ढूंढिए क्या होगा, फ्यूचर, फ्लेवर, लीजर, फिगर, क्या आंसर हो सकता है। और जो है ऑप्शन जो है बहुत इजी है, ऑप्शन जो है बहुत इजी है। देखिए, फ्यूचर स्पेलिंग सही है, और फ्यूचर मीन्स क्या, भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या, भविष्य। फ्लेवर, देखिए देखने से पता चल गया कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, इसका होगा एफ एल ए वी ओ यू आर, ए स्पेलिंग होता है, वी ओ यू आर। यहाँ वी के बाद जो है ओ होना चाहिए था, ओ नहीं है, समझ गए। इसमें वी के बाद क्या, ओ होना चाहिए था, ओ नहीं है। तो स्पेलिंग होगा। अब फ्लेवर मीन्स क्या होता है, स्वाद होता है। फ्लेवर मीन्स क्या, स्वाद। फ्लेवर मीन्स स्वाद। लीजर स्पेलिंग सही है, और लीजर मीन्स क्या होता है, फुर्सत। लीजर मीन्स क्या, फुर्सत का समय, फुर्सत का समय। यहाँ लिख लेता हूँ, इसका मीनिंग होगा फुर्सत का समय होगा, ठीक है। और फिगर, फिगर मीन्स क्या, आकृति। देख रहा होगा इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा आकृति। तो पाचल गया आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा बी नंबर। मिस्टेक किसमें है, मिस्टेक जो है आपका बी नंबर में है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ है, पूछ क्या रहा है, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन रहेगा, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो है इसमें, इस एग्जाम में ना तो काफ़ी ईजी रहेगा ना काफ़ी टफ रहेगा, क्वेश्चन मीडियम रहेगा। और देखने से पता चल रहा होगा कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीडर्ड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, इगोटिस्ट, फ्रॉड, डिसीवर, चीटर, क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आंसर लगा लिए होंगे आप। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जो
बहुत अधिक अहंकारी हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक अहंकारी हो और अपने आप के बारे में ही सोचता हो, अपने आप के बारे में सोचता हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्या, इगोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट। अब ऑप्शन समझ लीजिए, इगोटिस्ट मीन्स क्या होता है? अहंकारी। इगोटिस्ट मीन्स क्या? इगोटिस्ट मीन्स अहंकारी होता है। इस यहाँ लिखता हूँ, इसका होता है अहंकारी, समझ गए? अहंकारी होता है। फ्रॉड मीन्स क्या? धोखा। फ्रॉड मीन्स क्या? धोखा। इसका मीनिंग होगा धोखा हो जाएगा ये, ठीक है। डिसीवर, देखिए डिसीव मीन्स क्या होता है? DCIVE, डिसीव मीन्स धोखा देना, डिसीव मीन्स क्या? धोखा देना। और लास्ट में ER लग गया, तो ER मीन्स क्या होता है? वाला। ER मीन्स वाला, यानी धोखा देने वाला। ये क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होगा धोखा देने वाला, देने वाला हो जाएगा, ठीक है। और चीट, चीट मीन्स क्या होता है? धोखा देना। और ER मीन्स क्या? वाला। वाला क्या? धोखा देने वाला। क्या हो जाएगा? धोखा देने वाला। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन भी है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से हो रहा है और यहाँ तक है। और ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ सुनाता हूँ। वर्ड्स कवर्ड ऑन ए कार्व्ड ऑन ए स्टोन और मॉन्यूमेंट। ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। और ये सब क्वेश्चन जो है आने की बहुत संभावना है, तो ये सब को जो है पहले तो आप दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर इसका क्या हो सकता है? देखिए अब मिलाइए, कह रहा है कि वर्ड्स को है ना खोद कर लिखा आता है, वर्ड्स को खोद कर लिखा आता है किस पर? किसी स्टोन या मॉन्यूमेंट पर। स्टोन समझते हैं पत्थर, और मॉन्यूमेंट मीन्स क्या? ऐसा ताजमहल हुआ कोई, मॉन्यूमेंट क्या? क्या ऐसा बिल्डिंग जो सिर्फ देखने के लिए हो, ऐसा बिल्डिंग जो सिर्फ देखने के लिए हो। तो किसी स्टोन या मॉन्यूमेंट पर खोद कर लिखा हुआ शब्द, खोद कर लिखा हुआ शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। किसी मॉन्यूमेंट या स्टोन पर जो लिखा जाता है खोद खोद कर, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। और इसका मीनिंग क्या होता है? शिलालेख। इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या? शिलालेख। यहाँ लिख देता हूँ, इसका मीनिंग होगा शिलालेख होगा, शिलालेख है ना। शिला मीन्स क्या? पत्थर। लेख मीन्स क्या? लिखना, पत्थर पर लिखा। और ये ट्रांसक्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या? हस्ताक्षर। सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या? हस्ताक्षर होता है। इसका मीनिंग होगा हस्ताक्षर है ना। हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब यानी जो है हस्ताक्षर रूप में क्या कीजिए उसको, आप ओके कीजिए है ना। ये प्रिस्क्रिप्शन है ना, प्रिस्क्राइब जो दवा लोग डॉक्टर लोग दवा लिखते हैं, ये हो जाएगा औषधि विधि, औषधि विधि। यानी कहने का अर्थ क्या? प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या? औषधि विधि, औषधि विधि, औषधि विधि करने का, दवा करने का, दवा प्रयोग करने का तरीका, दवा प्रयोग करने का तरीका। और ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी वर्ड अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग दे, इसका आप लोग जो आंसर कमेंट में बताइएगा कि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू बी टू फिल द ब्लैंक्स, क्या समझे? खाली जगह भरना है। और क्वेश्चन आपका यहाँ शुरुआत है, यहाँ अंत है, और आंसर दीजिए आप लोग, आंसर लगाइए। और अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुका है, तो 8 क्वेश्चन तो जो बन जाए चाहिए आपसे, 8 या 9 क्वेश्चन जो है जो बना होगा आपसे। देखिए क्वेश्चन, ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल डैश टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। ऑप्शन अथॉरिटी है, एग्रीमेंट है, परमिशन है, प्रोविजन है। तो आपके अनुसार आंसर क्या हो सकता है वो आप लिख लिए होंगे,
वन का टेन का ए बी सी डी जो भी है। देखिए क्या कह रहा है, वह अप्लाई किया, वह अप्लाई किया इवेंट को है ना आयोजन करने के लिए ऑफिशियल डैश के पास, एंड वह जो है इवेंट को आयोजित करने के लिए ऑफिशियल डैश के पास अप्लाई किया। तो ऑफिशियल किस, ऑफिशियल क्या चीज, तो हो जाएगा परमिशन हो जाएगा, यानी कोई कार्यक्रम आपको शुरू करना है तो ऑफिशियल क्या आप करेंगे, परमिशन मांगेंगे ना, ऑफिशियल परमिशन मांगेंगे, तो इस कारण क्या हो गया आपका परमिशन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, परमिशन। ऑथोरिटी मीन्स क्या होता है, अधिकारी। ऑथोरिटी मीन्स क्या होता है, अधिकारी। एग्रीमेंट मीन्स क्या, सहमति। एग्रीमेंट मीन्स सहमति। और प्रोविजन मीन्स क्या, प्रावधान। इसका मीनिंग होगा प्रावधान, जो नियम कानून का होता है ना हो गया प्रोविजन, तो इसको आप हो जाए परमिशन होगा है ना, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है। आगे देखिए 11, आपका ईडियम है, क्वेश्चन यहाँ से है यहाँ तक है, और ये जो है आप जो है अंडर टेंथ, टेंथ क्लास में पढ़े होंगे है ना, द एप्पल ऑफ वंस आई, ये जो पढ़े होंगे, और जो है यदि आप सेट मारते हैं डेली तो उसमें जोर आया होगा, तो आंसर लगाइए क्या हो सकता है। ऑप्शन समवन वेरी रिच, अ जोली फेलो, अ पर्सन हु इज वेरी डियर, अ फियर्स अपोनेंट। तो ऑप्शन भी बहुत सिंपल है, और वो तो आप ए फ्रेज जो है अधिकतर स्टूडेंट जानता होगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सब बना के आएगा। देखिए क्या होगा, द एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब क्या, बहुत ही प्यारा। इस द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स क्या, बहुत ही प्यारा। इसका मीनिंग होगा बहुत ही प्यारा होगा ठीक है। अब ऑप्शन लिखिए, समवन वेरी, यहाँ ई छूटा हुआ है, समवन इज वेरी रिच, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत धनी है, तो उससे मिलता जुलता ये नहीं है। और जोली फेलो, जोली मीन्स क्या, हंसमुख, यहाँ लिखी देता हूँ, जोली मीन्स क्या, हंसमुख, क्या होगा, जोली मीन्स क्या, हंसमुख, जोली मीन्स हंसमुख। तो क्या कह रहा है, एक हंसमुख साथी, एक हंसमुख साथी, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन हु इज वेरी डियर, ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रिय हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रिय हो, तो आंसर क्या, सी होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर कह रहा है फियर्स ओपोनेंट, फियर्स मीन्स क्या, भयानक, फियर्स मीन्स क्या, भयानक, एक भयानक विरोधी, तो एक भयानक विरोधी, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्या है, वन सब्स्टिट्यूशन है, और क्वेश्चन आपका शुरुआत कहाँ से है, आपका शुरुआत है यहाँ से है। देखिए क्वेश्चन आपका शुरुआत यहाँ से है, कंपेरिजन, मैं पढ़ लेता हूँ, कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, और ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन है रिसेम्बलेंस, कंट्रास्ट, एनालॉजी, डिस्क्रिप्शंस। एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जान है ना, यदि आप एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं समझिए कि आपका जो है उस लेवल में तैयारी हो गया है, आप जो है इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, माने थिंग्स के बीच तुलना, थिंग्स के बीच तुलना, जिस जो समान फीचर्स हो, यानी थिंग्स के बीच तुलना किया जा रहा है, सम में क्या, समान गुण है, सम में क्या है, समान गुण है, तो ऐसा वर्ड कौन होगा, तो पहले से आंसर जान लीजिए एनालॉगी होगा। इसका आंसर क्या होगा, एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स क्या होता है, समानता होता है, इसका मीनिंग होता है समानता होता है, और इसका भी मीनिंग समानता होता है, समानता होता है। अब बोलिए सर दोनों मीनिंग समानता होता है तो आंसर फिर हम एनालॉगी क्यों कैसे ठीक लाएंगे। देखिए तो यहाँ पर मैन टू मैन समानता हो, आदमी आदमी के बीच समानता हो, आदमी आदमी भी समानता हो, तो आप जो है ए वर्ड लगाएंगे, रिसेम्बलेंस ठीक लगाएंगे,
आदमी के बीच तुलना हो, समानता हो, तो आप इसको टिक लगाएंगे, समझ गए? ये यहाँ पर मैं लिखा था समानता, ठीक है, इसका था। अब देखिए, आदमी से नॉन लिविंग थिंग समानता हो, आदमी से नॉन लिविंग थिंग माने एक तरफ मैन हो और सेकेंड तरफ नॉन लिविंग थिंग हो, तब क्या होगा? एनालॉगी होगा। क्या होगा? एनालॉगी। या आप समझिए, यदि नहीं समझे तो देखिए, आप थिंग्स कहने का नॉन लिविंग थिंग, यहाँ लिख देता हूँ नॉन लिविंग थिंग। देखिए, नॉन लिविंग थिंग के बीच समानता होगा, देखिए ऊपर ऊपर जो बताया हूँ, लिविंग थिंग के बीच समानता हो तो क्या लाएंगे? रिसेम्बलेंस, समझ गए? और नॉन लिविंग थिंग के बीच समानता हो तो क्या एनालॉगी। तो यहाँ थिंग कह रहा है, यहाँ पर थिंग कह रहा है, तो थिंग यार क्या कह रहा है? नॉन लिविंग थिंग कह रहा है, तो ये ठीक लाएंगे। और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स क्या? ये होगा सिकुड़, विरोध होगा ये। कंट्रास्ट मीन्स क्या? विरोध। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो है ये भी आप जो ये मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं, यहाँ थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग भी समानता क्या लाएंगे? एनालॉगी टिक लाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब साइनो बताना है, वर्ड रेडिकल है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रेडिकल है, रेडिकल ए साइनो हो एंटो हो, वर्ड मीनिंग पता होगा तो ये बता सकते हैं, नहीं तो चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ऑप्शन माइनर, कंजर्वेटिव, प्रोफाउंड, सुपरफिशियल, क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए ए मैं लिख देता हूँ, रेडिकल है। रेडिकल मीन्स क्या होता है? रेडिकल मीन्स क्या होता है? पूर्ण बदलाव। इसका मीनिंग होता है पूर्ण बदलाव। क्या होता है? पूर्ण बदलाव, पूरा बदलाव। माइनर मीन्स क्या? माइनर मीन्स छोटा या नाबालिग। माइनर मीन्स क्या? छोटा या नाबालिग। कंजर्वेटिव मीन्स क्या? संरक्षित। कंजर्वेटिव मीन्स क्या? संरक्षित। इसका मीनिंग, इसका तो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और इसका मीनिंग हुआ संरक्षित, लिख देता हूँ संरक्षित, ठीक है, संरक्षित होगा। अब प्रोफाउंड मीन्स क्या? गहरा। प्रोफाउंड मीन्स क्या? गहरा। इसका मीनिंग होगा गहरा होगा, ठीक है। और सुपरफिशियल मीन्स क्या? छिछला। सुपरफिशियल मीन्स क्या? छिछला यानी ऊपर ऊपर। इसका मीनिंग होगा ये छिछला होगा, या इसका मीनिंग पूर्ण बदलाव भी होता है। इसका मीनिंग होता है पूर्ण बदलाव भी होता है, बदलाव। तो आंसर क्या होगा? हो जाएगा सुपरफिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं इसलिए बहुत सा क्वेश्चन इसे सेट किया हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आना तो फिक्स है ना। अब नज़दीक टाइम आ गया, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा है। वन हु कैन यूज द आदर हैंड इजली। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ना, ये सब क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा? ऑप्शन स्किल, सिंगल हैंडेड, डिसेबल्ड, एम्बिडेक्स्ट्रस। चलिए अब मिलाइए, क्या कर रहा है? वह व्यक्ति जो है ना अपनी दोनों हाथों को आसानी से प्रयोग करता है। वह व्यक्ति जो अपनी हाथों को वह व्यक्ति जो अपनी दोनों हाथों को आसानी से प्रयोग कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस, इसका मीनिंग होता है, यहाँ लिखता मैं, जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति है ना अपनी दोनों हाथों को
अपने दोनों हाथों को कुशलता से प्रयोग करता हो, कुशलता से प्रयोग कर सकता हो, प्रयोग कर सकता हो, ठीक है। और स्किल मिस क्या, ये तो कौशल हो जाएगा। स्किल मिस क्या, कौशल। स्किल मिस कौशल। अ सिंगल हैंडेड यानी एक हाथ वाला। और डिसेबल्ड मिस क्या, विकलांग होगा। ये क्या होगा, विकलांग। तो आंसर क्या होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस, जो अपनी दोनों हाथों को कुशलता से प्रयोग कर सकता है। इडियम है, यहां से आंसर शुरू है, क्या है, ऑल एंड सन्ड्री। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल एंड सन्ड्री, जो कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें नहीं होगा ये ऑप्शन। एवरी वन, नॉन, एवरी बियर, वेरी फ्यू, क्या हो सकता है। देखिए इसका मीनिंग होगा आपको, देखिए इडियम क्या है आपका, इडियम है ऑल एंड सन्डरी, ऑल एंड सन्डरी। इसका मीनिंग क्या होता है, हर जगह। इसका मीनिंग होगा हर जगह, ठीक है। ऑल एंड सन्डरी मीन्स क्या, हर जगह। ऑल एंड सन्डरी मीन्स क्या, हर जगह। तो एवरी वन मीन्स क्या होता है, हर कोई। एवरी वन मीन्स क्या, हर कोई। नन मीन्स क्या, कोई नहीं। नन मीन्स कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एवरी वे मीन्स क्या, हर जगह। एवरी वे मीन्स क्या, हर जगह, ये आपका होगा। अब वेरी फ्यू मीन्स क्या, बहुत कम। वेरी फ्यू मीन्स क्या, बहुत कम, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो जो कॉमन वर्ड है, कॉमन इडियम्स है, वो तो 100% आना चाहिए। और जो डिफिकल्ट है तो चलो उसमें तो सबको परेशानी होती है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आए क्या है, ये क्या है, कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन आंसर भी क्वेश्चन रहेगा। और आंसर दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या होगा आंसर मिला, ये देखिए आप, मैं पढ़ता हूँ। बुक्स फेयर एनकरेज रीडिंग हैबिट, और आप लोग बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा, बी, सी, डी, क्या होगा। चलिए प्रैक्टिस अच्छा होगा तो तुरंत जो है आप बना दिए होंगे। देखिए बुक भी क्या है, नाउन है, अब फेयर भी क्या, नाउन है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन दो नाउन जो है कंटिन्यू नहीं लिखा आता है, जान लीजिए। दो नाउन जो है कंटिन्यू जो है नहीं लिखा आता है। कंटिन्यू लिखने के इसका तरीका क्या है, फिर सुनिए कि दो नाउन को कंटिन्यू लिखा जाता नहीं है, और लिखना हो तो क्या, ऑफ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस सब यूज कर लिखते हैं, समझ गए। लिखना हो तो अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी या ऑफ यूज करके लिखते हैं। अतः एक और तरीका है, ए यहाँ पर बुक्स फेयर है, ए यहाँ पर यदि आप ऐसे करेंगे, देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि ये तो होगा नहीं, बुक्स फेयर दो ना, ये भी नाउन, ये भी नाउन है, ये तो होगा नहीं कंटिन्यू। और सेकेंड नंबर देखिए, वर्ब कौन सा है, ये वर्ब से पूरा वर्ब है, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब है प्लुरल वर्ब। इसका मतलब क्या है, यहाँ कौन सा, यानी हम लोग जानते हैं ना सिंगल शब्द सिंगल वर्ब, आप प्लुरल शब्द प्लुरल वर्ब, जब यहाँ प्लुरल वर्ब है तो यहाँ प्लुरल शब्द होना चाहिए, प्लुरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी ऑफ, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी या ऑफ प्रयोग नहीं करें, तो एक तरीका और है कि आप इसके बदले लिख सकते हैं, है ना। इसको आप लिखेंगे यदि बुक फेयर्स करेंगे, है ना, तब चलेगा, तब जो है तब सही होगा। तो मिस्टेक किसमें है, ए में है, ठीक है। आगे, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, ये तो बहुत बहुत इजी है ना। और ये सब आपसे नहीं बनता है तो फिर जो दिक्कत है ना, तो फिर जो है बहुत ही दिक्कत है। और क्या आंसर होगा पहले आप लोग दीजिए, जिससे कि आपका जो है
क्षमता बात चले, और लास्ट में कमेंट में जो बताइएगा, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते और भूल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ देखिए ईच ऑफ है, तो इसका पूरा नाउन आता है, ईच ऑफ के बाद आता है पूरा नाउन, तो पूरा नाउन तो है लेकिन यहाँ वर्ब आएगा, सिग्नल वर्ब आएगा, ये जान लीजिए, ये रूल लिख लीजिएगा, ईच ईच के बाद ऑफ हो, क्या हो, ऑफ, तो इसके यहाँ पर क्या आएगा, पुलर वर्ब आएगा, सॉरी यहाँ आएगा पुलर नाउन, सुन रहे हैं, ईच हो उसके बाद ऑफ हो तो यहाँ क्या आएगा, पुलर नाउन, और यहाँ वर्ब जो आएगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, तो आर क्या है, पुलर वर्ब, यहाँ क्या होना चाहिए था, यह होना चाहिए सिंगुलर वर्ब यानी इज होना चाहिए था, मिस्टेक किस में है, बी में है, मिस्टेक किस